رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا حضرين الكرام قیامت کی بڑی علامتوں میں سے یہ ایک ہے یاجوج اور ماجوج قوم کا خروج کرنا یاجوج و ماجوج ایک قوم ہے جو کہ انسانی نسل میں سے ہی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اور کثیر تعداد میں ہیں یہ بہت زیادہ ان کی تعداد ہیں کتنی تعداد ہے آگے ہم معلوم کریں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو چاروں طرف پہاڑوں کے بیچ میں قید کر کے رکھا ہے ان کے فتنے اور فساد سے محفوظ رہنے کے لیے چنانچہ سورۃ الکہف میں ذوالقرنین کے واقعے میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جب ذوالقرنین ایک علاقے میں پہنچے جو کہ آیت نمبر 92 سے لے کر 99 تک اس کی وضاحت ہے پھر وہ یعنی ذوالقرنین بادشاہ ایک سفر کے سامان میں لگا حتیٰ کہ جب دو دیواروں کے پاس پہنچا ان دونوں کے پیچھے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے بھی قریب نہ تھی یہ قوم یاجوج و ماجوج کی قوم انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے فتنہ اور فساد مچاتے ہیں تو تم ان کے اور ہمارے درمیان ایک بند بنا دو ایک دیوار حائل کر دو اصل میں یہ یاجوج و ماجوج کی قوم چاروں طرف پہاڑوں کے بیچ میں بستی تھی اور پہاڑوں کے بیچ میں سے ایک طرف ایک راستہ تھا وہیں اسی راستے سے وہ لوگ آ کر فتنہ اور فساد مچایا کرتے تھے تو وہاں رہنے والی قوم اس کے اطراف و اکناف میں رہنے والی قوم ان کے پاس ذوالقرنین پہنچے ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکومت عطا فرمائی تھی نیک اور صالح انسان تھا لوگ عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ سکندر اعظم جس کو الیگزینڈر کہا جاتا ہے وہ ذوالقرنین ہے بات ایسی نہیں ہے ذوالقرنین الگ ہے ذوالقرنین ایمان والا مومن توحید پرست انسان جبکہ سکندر اعظم الیگزینڈر کے بارے میں ایسی بات نہیں ملتی ہے تو یہ الگ الگ ہیں تو ذوالقرنین جب پہاڑوں کے اطراف و اکناف میں رہنے والی قوموں کے پاس پہنچے جن کی بات عجیب تھی الگ طرح کے قوم یہ لوگ تھے بات سمجھنے کے قریب نہیں اور یاجوج و ماجوج کے فتنے سے بڑے پریشان تھے تو ذوالقرنین ایک بادشاہ اثر و سوق والا جب پہنچا
तो इन लोगों ने दरख्वास्त की कि ये पहाड़ों के बीच में जो रास्ता है इस रास्ते को बंद कर दो तो हम लोग याजूज व माजूज के फितने से महफूज हो जाएंगे। तो ज़ुल्क़रनैन ने कहा कि देखो अल्लाह ताला ने मुझे इसकी ताकत तो नहीं दी, इल्ला आके चलो मैं कोशिश कर सकता हूं और तुम मेरी मदद करो, तुम्हारे पास जो भी धात है मेटल है वो लेकर आ जाओ और मुझे दे दो। और वहां रखकर आग जलाई, आग जलाने के बाद उसको उस दरवाजे को उस रास्ते को उसने मुख्तलिफ तरह के धातों से बंद कर दिया, गोया के सीसा पिलाकर उसको उस दीवार को उसने खत्म कर दिया, उस रास्ते को उसने बंद कर दिया, वहां पर एक दीवार डाल दिया, उस रास्ते को उसने बंद कर दिया, दीवार डाल दिया। इस तरीके से याजूज व माजूज के कौम को ज़ुल्क़रनैन ने अल्लाह की मर्जी से अल्लाह के ताउन से अल्लाह ताला की तौफीक से पहाड़ों के बीच में बंद कर दिया। ये बहुत पहले का वाकया है, तब से ये नस्ल वहां बसती है, वो कौम वहां पर है, आबादी उनकी वहां पर फैल रही है। कयामत के करीब अल्लाह ताला उनको आजाद करेगा, जैसे कि सूरह अंबिया में अल्लाह तबरक ताला ने फरमाया आयत नंबर 96 और 97 में, हत्ता इदा फुतिहत याजूज व माजूज, और कल की तरावी में हमने ये तिलावत सुनी है कि यहां तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे वह हर बुलंद मुकाम से दौड़ते हुए आएंगे और सच्चा वादा करीब आने लगेगा, उस वक्त काफिरों की निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी कि हाय अफसोस हम इस हाल से गाफिल थे, बल्कि फिलवाक़े हम तो कसूरवार हैं, हम गुनहगार और जालिम थे। तो क़यामत के करीब याजूज और माजूज कौम को अल्लाह ताला वहां से आज़ाद करेगा, वहां से अल्लाह ताला निकालेगा। कैसे निकालेगा और कब है, हदीस में उसकी वजाहत आई हुई है। हजरत हुज़ैफ़ा बिन बुसाइद गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है और ये सही मुस्लिम की रिवायत है और इसी तरह से सही बुखारी में भी इसे माने की एक रिवायत हजरत ज़ैनब बिनते जहश से है कि हजरत ज़ैनब बिनते जहश फरमाते हैं कि एक रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा के उठे और ये कहने लगे, वैलुल लिल अरब ला इलाहा इल्लल्लाह, वैलुल लिल अरब मिन शर कद इक्तरब, अरब की हलाकत और बर्बादी आई है कि एक शर एक फितना जो उनसे करीब आ चुका है। इस हदीस का लोग गलत तर्जुमा करते हैं, गलत मफहूम बयान करते हैं कि वैलुल लिल अरब, देखो अब अरब हलाक और बर्बाद हो गए, दीनी एतबार से उनके पास दीन नहीं है, अकीदा नहीं, ईमान नहीं, ये लोग सब गलत है। और नबी ने वो जो कहा कि नजदी इंसान आएंगे तो उनको मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब पे फिट करते हैं, ये मनमानी तफसीर है, मनमानी तावील है। याजूज व माजूज की कौम की तरफ इशारा है ये कि ये जो शर है, शर से मुराद आज जो आप देख रहे हैं ये नहीं है, बल्कि शर क्या है, उनसे पूछा गया कि क्या है ये शर, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया, फुतिहल यौमा मिन रदम याजूज व माजूज मिस्लु हादिही, कहा कि याजूज व माजूज की वो जो दीवार जिसको ज़ुल्क़रनैन ने बनाई थी उसको इन लोगों ने रोजाना खुदाई की और खोदते खोदते आज वो लोग इतना हिस्सा, इतना सुराग डाल लिए हैं, इतना सुराग डाल लिए हैं। तो इसको फितने से ताबीर की अल्लाह के रसूल ने कि ये फितना है, रोजाना ये लोग सारी कौम मिलकर आते हैं और उस दीवार को खोदने की कोशिश करते हैं। वो क्या होता है, इतना सा दीवार, इतना सुराग डालते हैं, फिर चले जाते हैं, अल्लाह ताला फिर सुबह होने तक उसको बराबर कर देता है। ये सिलसिला रोजाना का है, चल रहा है। क़यामत के करीब जिस दिन उनका सरदार कहेगा इंशाअल्लाह कल हम लोग
इसको खोद देंगे या तोड़ देंगे, तो उस दिन वो तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे और वहां से वो निकलेंगे, निकलकर सारी दुनिया में फितना फसाद मचाएंगे, क्योंकि बड़ी तादाद इनकी होगी। और याजूज और माजूज ये कब इनका खुरूज होगा, कब खुरूज होगा, तो हमने कल के दरस में मालूम किया कि सबसे पहले दज्जाल आएगा, दज्जाल के बाद महदी का जहूर होगा, फिर ईसा अलैहि सलाम का नुजूल होगा, ईसा अलैहि सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे, फिर बेहतरीन हुकूमत कायम करेंगे, महदी का इंतकाल होने के बाद ईसा अलैहि सलाम मौजूद होंगे, इतने में याजूज और माजूज का खुरूज होगा। ईसा अलैहि सलाम मौजूद होंगे उस वक्त याजूज और माजूज का खुरूज होगा, और ये इतनी तादाद में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो 100 में से 99 लोग जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत। सहाबा इकराम ने ताज्जुब के मारे में कहा कि अल्लाह के रसूल अच्छा तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो वो 99 में से समझ लो कि 100 में से 99 याजूज और माजूज की कौम में से और एक तुम में से। तो ऐसा नहीं कि तुम में से इतने लोग जहन्नम में जाएंगे, तो गोया के इस उम्मत के एक फर्द के मुकाबले में याजूज और माजूज के 99 लोग होंगे, एक के बदले में 99। तो अब इस उम्मत की तादाद, और उम्मत से मुराद सारे, सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, जितने इंसान हैं चाहे यहूद हो नसारा हो जो भी है, सारे के सारे उम्मत मोहम्मदिया में से हैं। कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते और बात है, इतनी इनकी तादाद होगी कि एक के मुकाबले में 99 गुना ज्यादा। तो जब ईसा अलैहि सलाम और उनके साथ रहने वाले लोग उस वक्त मौजूद होंगे, उनके मुकाबले में 99 गुना ज्यादा तादाद उनकी होगी, इतनी तादाद। और बहुत ही शरीर कौम, फितीन कौम, फसादी कौम, इतने फितने फसाद मचाएं, और ऐसे वो लोग खाते पीते जाएंगे कि पीते पीते वो पानी ही समंदर के पानी, नदियों के पानी को ही चट कर जाए, सारे सारी चीजों में, चाहे खाने पीने के सामान हो, इंसान हो, जानदार हो, हैवानात हो, सबको तहस नहस करते हुए पूरी दुनिया में वो लोग निकलेंगे। ऐसे वक्त में ईसा अलैहि सलाम जिन्होंने वक्त के दज्जाल का मुकाबला किया, अब याजूज और माजूज के साथ मुकाबले की ताकत नहीं रखेंगे। अल्लाह ताला उनसे कहेगा कि आप अपने साथियों को लेके तूर पहाड़ पे चले जाएं, तूर पहाड़ पे चले जाएं, जिस पहाड़ पे मूसा अलैहि सलाम गए थे उस पहाड़ पे चले जाओ, जिसको सीना के पहाड़ भी कहा जाता है। तो ये जो तूर सिनीन या सीना कहा जाता है, वहां चले जाओ, वहां जाकर पनाह ले लो, वरना इनके फितने से महफूज नहीं रहोगे और इनका मुकाबला भी तुम नहीं कर सकते हो। इस हदीस को बुनियाद बनाकर अहले इल्म ने एक मसला निकाला है कि जिस वक्त मुस्लिम मुखालिफ किसी कौम से मुसलमानों को मुकाबले की जुरत और ताकत ना हो, तो खामा खामे उनसे छेड़खानी नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी हिफाजत और बंदोबस्त की तैयारी करनी चाहिए, अपनी हिफाजत और बंदोबस्त की तैयारी करनी चाहिए, ना कि खामा खामे आबैल मुझे मार का मामला करना चाहिए। अब यहां देखिए ईसा अलैहि सलाम जिसने दज्जाल का कितना बड़ा फितना, इनके फितने को खत्म किए, लेकिन अब याजूज और माजूज के सामने कहा कि नहीं, ताकत नहीं है, अपनी हिफाजत के लिए पहाड़ पे चले जाएंगे। याजूज और माजूज का फितना बहुत बड़ा फितना होगा। याजूज और माजूज की कौम है, उनकी शक्ल और सूरत के ताल्लुक से हदीस आती है, मुसनद अहमद की रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम कहते हो कि दुश्मन खत्म हो गए,
हालांकि तुम हमेशा दुश्मनों से कताल करते रहोगे, तुम्हारा दुश्मन कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा रहेगे, और मुसलसल उनके साथ तुम्हारा कताल चलेगा, हत्ता कि याजूज और माजूज निकल आएंगे, और आखिरी जंग जो होगी वो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर, महदी और ईसा मिलकर जो दज्जाल के खिलाफ लड़ेंगे, उनके चेहरे चौड़े होंगे, चेहरे बड़े चौड़े चौड़े, आंखें छोटी छोटी होंगी, सर के बाल सुर्ख माइल होंगे, सर के बाल सुर्ख माइल होंगे, वो हर घाटी से दौड़ते हुए आएंगे, यानी पहाड़ों के जो घाटियां हैं, वैली है, वैलियों से ये लोग दौड़ते हुए आएंगे, गोया कि उनके चेहरे तह बते कोई ढाल के मानिंद है, जैसे ढाल है एकदम चिपटी हुई, तो इस तरह से उनके चेहरा भी गोया के चिपटी हुई हो और चौड़ा हो ढाल की तरह, इस तरह से चिपटे हुए होंगे, ये इनकी शबाहत अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई। अब कौन लोग हैं अल्लाह बेहतर जानता है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि ये चाइनीज कौम है, फला कौम है, उनके चेहरा ऐसा लगता है, अल्लाह बेहतर जानता है। और वो जो दीवार है जिसको वॉल ऑफ क्या बोलते हैं, हाँ, तो ये जो वाल है कहते हैं ये जो है याजूज माजूज को बंद करने की ये दीवार है, ये सही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने उनको बंद करके रखा, किसी को पता ही नहीं कहाँ रखा है, और ये तो बहुत मामूली दीवार है, आज तो इस दीवार को छलांग के आप भी चले जाएंगे, तो ये उससे मुराद नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन सी कौम है ये, अल्लाह ने उनको बंद करके रखा है। अब ये लोग तो बंद नहीं है तो सारी दुनिया में फिर रहे हैं। याजूज माजूज का फितना बहुत बड़ा फितना होगा, और उनके फितने से लोग इतने परेशान होंगे, जैसे कि मैंने अभी अर्ज किया कि उनसे लड़ने की ताकत कोई नहीं रखेंगे, बड़े फितने फसाद ये लोग मचाएंगे। और सिलसिले में मसूद से भी ये रिवायत मरवी है कि जिसमें ये लफ्ज़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याजूज माजूज निकलेंगे, हर टीले से भागते हुए आएंगे, वो लोगों के शहर रौंद डालेंगे, शहर के शहर तबाह कर देंगे, तमाम अशिया तबाह और बर्बाद कर देंगे, जिस पानी से भी गुजरेंगे पानी पी जाएंगे, चट कर देंगे। फिर लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास आकर शिकायत करेंगे, तो अल्लाह ताला से याजूज माजूज की हलाकत की दुआ करेंगे, हलाकत की दुआ करेंगे। तो जब ऐसे फितीन और फसादी कौम आए जिनसे लड़ भीड़ नहीं सकते हो, तो दुआ करो, दुआ करो, तो ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनसे लड़ने की ताकत नहीं है, और बड़े फसादी फितीन कौम है, लिहाजा अल्लाह ताला इनको हलाक कर दे, बर्बाद कर दे। चुनाचे नवास में समाया रदी अल्लाह ताला अनु से हदीस है कि हजरत ईसा और उनके साथी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो वो याजूज और माजूज पर अजाब भेज देगा, और वो इस तरह के उनकी गर्दनों पे कीड़े पैदा हो जाएंगे, उनकी गर्दनों पे कीड़े पैदा हो जाएंगे, जिस वजह से सुबह तक सब मर जाएंगे, सुबह तक, रात में कीड़े आए सुबह तक खत्म, सब मर जाएंगे, जैसे एक आदमी मरता है, एक आदमी जैसे मरता है सारी कौम गोया कि एक रात में तबाह। फिर अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम उनके साथी जमीन पर उतर आएंगे, जमीन पर एक बालिश बराबर भी जगह उनके लिए खाली नहीं होगी, यानी सारे के सारे जमीन पे गोया के इनकी लाशें पड़ी हुई होगी। फिर उसके बाद इस जमीन को पाक करने के लिए फिर ईसा अलैहिस्सलाम के साथी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, तो अल्लाह ताला बड़े ऊंटों की गर्दनों के बराबर परिंदों को भेजेंगे, इतने बड़े बड़े परिंदे ऊंटों की गर्दनों की तरह, इतने बड़े बड़े परिंदों को भेजेंगे जो याजूज और माजूज के नाशों को उठाकर ले जाएंगे, और जहां अल्लाह का हुक्म होगा वहां फेंक आएंगे। फिर अल्लाह ताला बारिश बरसाएंगे जो हर मिट्टी और बाल यानी खीमे वाले घर में पहुंचेगी, चाहे वो यानी पुख्ता इमारत हो या टेंट वाली इमारत हो, टेंट वाला घर हो, इन सारे यानी हर जगह पर ये बारिश का पानी पहुंच जाएगा, ताकि उसके जरिए से जमीन को अल्लाह ताला पाक को साफ कर दें, पाक को साफ कर दिया जाएगा। और इसी तरह से जैसे कोई हाउस या बाग हो, फिर जमीन को हुक्म दिया जाएगा कि अपने फल उगा, अपनी बरकतें निकाल, उस दिन एक अनार पूरी जमात खा सकेगी, एक अनार 100 बीमार, जिसे मैंने कहा ना
कि इतनी बरकतें होगी उसके बाद, वो जो बारिश आएगी उस बारिश के बाद बड़ी बरकतें होगी, पूरी तरह से उनके लाशों को, जरासीम को, सबको साफ कर दिया जाएगा, उसके छिलके से वो साया हासिल करेंगे। एक अनार कितना बड़ा छिलका होगा कि उसके लिए वो छाया छतरी बनाएंगे, गोया कि उसके बड़े बड़े होंगे। और भी काफी बरकतों का उसमें जिक्र है कि एक गाभिन ऊंटनी का दूध कई जमातों के लिए काफी होगा, एक हामिला गाय का दूध एक कबीले को किफायत करेगा, एक बकरी का दूध एक खानदान के लिए काफी होगा। लोग इस हाल में होंगे कि अचानक अल्लाह ताला एक हवा चलाएंगे जो उनकी बगलों से नीचे असर करती हुई गुजरेगी। कौन? ये मोमिन लोगों की। एक हवा चलेगी उनकी बगलों से गुजरते हुए जाएगी और हर मुसलमान और मोमिन उस हवा से फौत हो जाएंगे। सब सारे मोमिन मुसलमान अच्छे लोग खत्म हो जाएंगे, अब सिर्फ बदतरीन लोग बचेंगे। बदतरीन लोग, इतने बदतरीन, खुलेआम जिनाकारी और एक दूसरे के साथ इतने खिलाफ वर्जी शरीयत की होगी, यहां तक कि अल्लाह कहने वाला कोई नहीं होगा, अल्लाह कहने वाला कोई नहीं होगा। यानी लोग इतने आगे बढ़ेंगे, ये खुद याजूज माजूज की कौम भी, कि वो आसमान के ऊपर जाएंगे, तीर फेंकेंगे और अल्लाह ताला कहेगा इसके तीर को खून में रंग के वापस भेजो। तीर को फरिश्ते खून मिलाकर वापस भेज देंगे, कहेंगे कि देखें जमीन तो जमीन, आसमानी मखलूक को भी हमने खत्म कर दिया, आसमानी मखलूक को खत्म कर दिया, सबको बर्बाद कर दिया, सब खत्म, अब कुछ नहीं है तो हम ही लोग हैं। और अल्लाह ताला उनको एक कीड़े से ही रातों रात में खत्म कर देगा। ये अल्लाह ताला की कुदरत कामिला है। फिर जब ईसा अलैहि सलाम और उनके साथी लोग हो, फिर अच्छा दौर आए, फिर ये लोग जब खत्म हो जाएंगे, अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल ने कहा कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक रूए जमीन पर कोई एक अल्लाह कहने वाला तौहीद परस्त होगा, अल्लाह ताला कयामत को नहीं लाएगा। तो रूए जमीन कायम है मुसलमानों, मोमिनों और तौहीद परस्तों की वजह से। जिस सरजमीन से, याद रखो, मुसलमान खत्म, मोमिन खत्म, तौहीद परस खत्म, वो सरजमीन भी खत्म हो जाएगी। इसलिए ये तो मोमिनों के दमखम से है, अल्लाह ने इनकी वजह से रखा है। ईसा अलैहि सलाम और उनके साथियों के बाद जब रूए जमीन पे कोई मोमिन ना हो, कोई मुवाहिद ना हो, तौहीद परस ना हो, कोई मुसलमान ना हो, अब अल्लाह तबरक तआला ऐसे इतने बदतरीन लोग होंगे, अल्लाह कहने वाला नहीं होगा, कोई अल्लाह को मानने वाला नहीं होगा, उस वक्त अल्लाह ताला कयामत बर्पा करेगा। इंशाल्लाह आगे हम लोग मालूम करेंगे कि उससे पहले और भी कुछ अलामतें, जैसे धुआं का जाहिर होना, आग का जाहिर होना और जमीन से एक चौपाए का निकलना है, इंशाल्लाह बकिया और जो तीन दिन है, तीन दिन में इंशाल्लाह ये तीन चार चीजें और भी है जिनको इंशाल्लाह खत्म करने, कवर करने की कोशिश करेंगे। दुआ रब्बुल आलमीन से, अल्लाह तबरक तआला हमें और आपको फितने से महफूज रखें, अल्लाह तबरक तआला हमें और आपको इस दुनिया में आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुभानक अल्लाहुम बिहमदिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक, व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। Got it.